ऐसी भी खबरें हैं कि गठबंधन के इंडिया नाम की तरह ये थीम रखने का प्रस्ताव भी राहुल गांधी की तरफ से ही आया, क्योंकि राहुल गांधी पहले से ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जुड़ेगा भारत की बात करते रहे हैं और आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने भी इसे अपना जो है एक संयुक्त थीम बना लिया है। और विपक्ष की आज की इस बैठक में एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया, कई फैसले लिए गए असल में, और वो फैसले ये हैं कि सभी 28 विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से अलग अलग 5 कमेटियों के लिए अपने अपने सदस्यों के नामों का आज ऐलान कर दिया है। कमेटियां बनाई गई हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें पहली और प्रमुख कमेटी है कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो चुनावों के लिए इन सभी 28 विपक्षी दलों के बीच तालमेल बनाने का काम करेगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी यही कमेटी तय करेगी। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, आप देख लीजिए, इसमें शरद पवार को रखा गया है, तेजस्वी यादव को रखा गया है और भी बड़े बड़े नेताओं को रखा गया है। इस कमेटी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेंगे केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे की पार्टी से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेडीयू से ललन सिंह, सीपीआई से डी राजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती रहेंगे और सीपीएम से भी एक नेता को इस कमेटी में जगह दी गई है। इस कमेटी में कुल 14 नेता हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 28 विपक्षी दल 3 बैठकें करने के बाद भी इस कमेटी का कोई एक नेता नहीं चुन पाए और गठबंधन में कन्वीनर की भूमिका के लिए भी किसी एक नेता का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा 19 नेताओं की एक कैंपेन कमेटी भी बनाई गई है, जो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की पब्लिक रैलियों का आयोजन करेगी। इसके अलावा 12 नेताओं का एक अलग वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जो सोशल मीडिया पर इंडिया गठबंधन के प्रचार और प्रसार का जिम्मा संभालेगा और 19 नेताओं का एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, जो मीडिया में विपक्ष की खबरों पर नजर रखेगा और यह तय करेगा कि मीडिया में कैसे इस गठबंधन का प्रचार हो। जबकि 11 नेताओं की एक कमेटी इस गठबंधन के लिए ग्राउंड पर जाकर रिसर्च करने का काम करेगी। हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि इन फैसलों के बावजूद इस बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि सबसे पहले इस गठबंधन को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना चाहिए और ये काम 15 अक्टूबर से पहले पहले हो जाना चाहिए। और ये नेता सीट शेयरिंग पर इसलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि इन पार्टियों ने ऐसे दलों के साथ गठबंधन किया है जिनके खिलाफ ये विधानसभा के चुनावों में हमेशा आमने सामने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, ये दो अपने राज्यों में ऐसे नेता हैं जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब देखिए ये एक ही मंच पर आ गए हैं। और अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ मान लीजिए कभी चुनाव की नौबत आती है विधानसभा में, तो ये दो नेता क्या करेंगे? विधानसभा में ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा के लिए ये लोगों से कहेंगे कि हम दोनों को मिलकर वोट दीजिए। एक जगह उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की तारीफ करेंगे, दूसरी जगह उनकी आलोचना करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर आज की बैठक में ममता बनर्जी सबसे ज्यादा खुलकर बोली और वो शायद इसलिए कि विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बाद में शामिल नहीं हुई। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि ममता बनर्जी इस बात से नाराज थी कि राहुल गांधी ने बिना विपक्ष के नेताओं से चर्चा किए गौतम अडानी का मामला मीडिया में फिर से उठाया और अब खबरें हैं कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में भी एक दरार आ गई है। तो सोचिए यह भी कितनी दिलचस्प बात है कि गौतम अडानी का मुद्दा, जिसे राहुल गांधी अपना नंबर एक मुद्दा मानकर इस समय चल रहे हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन गठबंधन में ही कई ऐसे नेता हैं जो गौतम अडानी के मुद्दे को नहीं उठाना चाहते। पिछले कुछ समय में ममता बनर्जी और गौतम अडानी के बीच मुलाकातें हुई हैं और पिछले साल जब पश्चिम बंगाल में एक बिजनेस समिट का आयोजन हुआ था, तब ममता बनर्जी ने इस तरह से हाथ जोड़कर गौतम अडानी का स्वागत किया था, अभिनंदन किया था। और ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में अडानी ग्रुप से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश ले रही है, या उल्टा करके देख लीजिए, अडानी की कंपनियां 10,000 करोड़ रुपए का निवेश पश्चिम बंगाल में करने वाली है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे पर राहुल गांधी से नाराज हैं, क्योंकि वो, जरूरी नहीं कि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाना चाहें,
लेकिन ममता बनर्जी के संबंध गौतम अडानी से अच्छे हैं और वो उनके राज्य में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, तो फिर ममता बनर्जी ये मुद्दा खुद कभी नहीं उठाना चाहेंगी। इसी मुद्दे पर आपको याद होगा शरद पवार भी राहुल गांधी के साथ नहीं है और वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग का वो समर्थन नहीं करते। शरद पवार और अडानी के बीच इसी साल कई मुलाकातें हुई हैं और ऐसा माना जाता है, इन मुलाकातों की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, और ऐसा माना जाता है कि गौतम अडानी और शरद पवार के बीच भी बहुत मधुर संबंध है। इतने मधुर कि शरद पवार चुनाव में गौतम अडानी का मुद्दा नहीं उठाएंगे, यानी इस मुद्दे पर, गौतम अडानी के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन में दरार आ गई है और यह दरार ममता बनर्जी की नाराजगी से काफी गहरी हो सकती है। इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हुई हैं, जिनमें पहली बैठक में अरविंद केजरीवाल नाराज हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। दूसरी बैठक में नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उन्होंने बाद में कहा था कि उन्हें जल्दी थी, उन्हें कहीं और जाना था, उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। और तीसरी बैठक में अब ममता बनर्जी नाराज हो गई और वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई। आज राहुल गांधी ने भी खुद ये बात मानी कि इंडिया गठबंधन में नेताओं के बीच मतभेद हैं, लेकिन इन मतभेदों को कम करने की पूरी कोशिश चल रही है। आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट दीज टू मीटिंग्स हैव डन ए ह्यूज अमाउंट इन बिल्डिंग द रैपोर बिटवीन ऑल द लीडर्स and ensuring that all of us work together as one. I can see that there is flexibility among all the leaders in the way we are approaching things. There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. Congress party ke bare mein aap ek cheez samajhiye. जब यूपीए का गठबंधन हुआ करता था तो उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और एक तरीके से यूपीए को वही चलाती थी और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो रुतबा था यूपीए के गठबंधन में वो अलग ही था। वो रुतबा नेताओं जैसा था कि वो असली नेता वो हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं, उनका जो रुतबा था वो राजा जैसा था। लेकिन अब इन बदलते हालात को लेकर राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो 2 नेता या 3 नेता आप समझ लीजिए, जिनमें सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, इन तीनों ही नेताओं ने अपनी ईगो को इन बैठकों में सामने नहीं आने दिया है और वो इस बात पर बहुत आसानी से राजी हो गए हैं कि हम इस बात को बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम ही लीड करेंगे, हमारे लोग ही सबसे आगे रहेंगे। और ये एक कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि गांधी परिवार इस बात को समझता है कि किसी भी तरीके से, अभी चाहे वो प्रधानमंत्री बने ना बने, नेता बने ना बने, उन्हें इंडिया गठबंधन में कोई भूमिका मिले या ना मिले, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। एक बार जब वो हट गए तब ये सारे नेता सर्वाइव करेंगे, उसके बाद आगे की बाद में देखी जाएगी। अभी की जरूरत यह है कि अपनी ईगो को सामने मत आने दो और गठबंधन को एक करने की हर मुमकिन कोशिश इस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे ज्यादा हमला हुआ, क्योंकि वही सबसे बड़े नेता हैं। दूसरे नंबर पर जिस पर सबसे ज्यादा हमला हुआ है वो है मीडिया, और विपक्ष के लगभग सभी नेताओं ने मीडिया के प्रति अपनी बड़ी नाराजगी आज जताई और कहा कि मीडिया मोदी के साथ है और इस वजह से विपक्षी दलों को टीवी पर दिखाया ही नहीं जाता। लेकिन आज हमारा भी एक सवाल है। अब आप सोचिए, 9:00 से लेकर 9:21 हो चुके हैं और हम लगातार अभी तक आपको सिर्फ इंडिया गठबंधन की खबर दिखा रहे हैं। कम से कम इसी एक शो में हम कम से कम उनको 21 मिनट का टाइम लगभग दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश है और 543 सदस्यों वाली लोकसभा में उनकी पार्टी का सिर्फ एक सांसद है, राज्यसभा में 10 सांसद है, यानी कुल 11 सांसद उनकी पार्टी के पास हैं। लेकिन इसके बावजूद आज उन्हें प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर पूरे देश में देखा जाता है। तो यह किसकी वजह से है? यह उसी मीडिया की वजह से है जिसकी अरविंद केजरीवाल आलोचना कर रहे हैं, जिस पर आज सवाल उठा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का जो रिकॉल वैल्यू है वो आज दिल्ली के बाहर
इतने सारे राज्यों में है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हर अखबार के फ्रंट पेज पर छपती है, चाहे वो विज्ञापन के जरिए हो या बिना विज्ञापन के जरिए हो। ये सब कुछ मीडिया की वजह से हो रहा है।